पुलिस ने इत्र कारोबारी के घर चोरी का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को चोरी के माल व नकदी सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लखनऊ में पिता ने अपने पुत्र को पैसे के लालच में बनाया चोर। 19 साल के युवक ने अपने ही मालिक के घर में चोरी, वृद्ध महिला की देखरेख में रखे नौकर के जेवर किए व नकदी पर हादसा। राजधानी लखनऊ के शहादतगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। थाना शहादतगंज इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह ने किया चोरी की घटना का खुलासा। DCP पश्चिम के दिशा निर्देश पर काम कर रहे इंस्पेक्टर शहादतगंज ब्रजेश सिंह ने इत्र कारोबारी के घर हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। शहादतगंज पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लाखों का माल 49,260 रुपये नकद बरामद किए हैं। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। सर, चोरी का खुलासा हुआ है, किस तरीके से घटना को अंजाम दिए थे, कौन लोग थे? ये 25/4/2024 को मोहम्मद सैफ, ये थाना शहादतगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं, इत्र के व्यवसायी हैं। इनके द्वारा ये सूचना दी गई कि इनकी बूढ़ी माँ घर में रहती है और इनका नौकर जो बूढ़ी माँ का देखभाल करता है, समय से दवा इत्यादि देता है, सुहेल नाम का, वो घर से चोरी कर रहा है माँ को नशीली दवा खिलाकर। उचित धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस कमिश्नर लखनऊ ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया, उनके द्वारा इस घटना का अनावरण करने के निर्देश दिए गए। चूँकि चोरी जो रिपोर्ट थी वो 1 लाख रुपए की और जेवरात की थी, बड़ी चोरी थी। इसके संबंध में क्षेत्र ACP बाजार खाला श्री धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसमें शहादतगंज इंस्पेक्टर श्री ब्रजेश सिंह और इनकी टीम सम्मिलित थी। इनको ये टास्क सौंपा गया। इनके द्वारा कल तीन अभियुक्त, क्रमशः सुहेल जो उस घर में नौकरी करता था लंबे समय से, उसके पिता शरीफ और सुहेल का एक रिश्तेदार शकील, बल्कि गांव का है, जेट बहुत दूर का रिश्तेदार है, गांव का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और जो भी घर से चोरी गया था सामान, उसमें से काफ़ी सामान बरामद हुआ है, जिसमें से 3 हार, 1 जोड़ी कंगन, 4 चेन, 5 अंगूठी, 2 जोड़ी चूड़ी और 1 अदद मांग टीका, जिसकी कीमत लगभग 15.5 लाख रुपए है, वो इन तीनों अभियुक्तों से बरामद किया गया है। साथ में 1 लाख रुपए जो कैश चोरी हुए थे, उसमें से कुछ पैसे इनके द्वारा खर्च किए गए हैं, 49,256 रुपए कैश बरामद हुए हैं। इनके द्वारा ये बताया गया कि थोड़े से जेवरात, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से जेवरात इन्होंने कुछ ज्वेलर्स को बेचे हैं, जिसके संबंध में हम विवेचना कर रहे हैं, और उससे जो पैसा मिला था उसको अपने रोज़मर्रा के जीवन में इन्होंने खर्च किया है। और ये बहुत अच्छा काम हमारी टीम ने किया है, इसके लिए इनको हम, इस पूरी टीम को 10,000 रुपये कैश रिवार्ड की घोषणा। कब से काम कर रहे थे, क्या कितने दिन से, इस लड़के की उम्र क्या है? इस लड़के की उम्र लगभग 20 वर्ष है, 19-20 के आसपास है, और 2-3 वर्षों से ये काम इनके माँ की सेवा कर रहा था। और बाकी जो एग्जैक्ट ड्यूरेशन है, क्या सर इनका परिचित है जो काम करते हैं इनके यहाँ, इनके उनका परिचित था? अभी हम लोगों के पास चूँकि समय कम होता है, 24 घंटे के अंदर हमें अभी को जेल माननीय न्यायालय में उपस्थित करना होता है, तो अभी बहुत डिटेल इंक्वायरी नहीं संभव हो पाई है। हम विवेचना इन सब पहलुओं पर कर शेष कितना बचा हुआ माल है जो रह गया रिकवरी के लिए, अभी जो बरामद नहीं हुआ? देखिए, ये चूँकि FIR में जो हमको बताया गया था एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया गया था, अभी ये टीम ने लग के बहुत थोड़े समय में बरामदगी की है। अब इसके बाद हम लोग वादी से सबसे बात करेंगे, विवेचना करेंगे, जो शेष बचा हुआ है क्या ये पूरी रिकवरी हो गई है, या जितना थोड़ा बहुत जैसा वादी द्वारा बताया गया है कि अब साहब थोड़े बहुत ही बचे हैं, काफ़ी हद तक रिकवरी हो गई है, मैं उसको मिला रहा हूँ, तो जैसे ही वो पूरी लिस्ट हमें मिलेगी वो विवेचना का पार्ट होगा, उस पर विवेचना करके इसको आगे। ये कहाँ माल लेके गए थे, किसको दिया था माल? अभी तो इनके पास ही था,
आपके सामने बरामदगी है पूरी, ठीक सर, जो बाकी किसको बेचे हैं इस पर हम लोग विवेचना कर रहे हैं। सर इनका मोटिव क्या था कि किस वजह से ये इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया, कि कोई नशाबाजी या कोई नौकेबाजी या किस तरह का सर मोटिव बना जिसको? फिलहाल अभी तक के विवेचना से ऐसी कोई बात नहीं आई। सामान जैसे ये चोरी करता आदमी अपने लाभ के लिए, उसने अपने लाभ के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा चोरी की है, शेष इनके इन पहलुओं पर भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। सर इनका जो लड़का इनके यहाँ काम करता था जो नशीला दवाई खिलाता था, इनके पिता क्या करते जो साथ में इनके सामने? शरीफ, जैद शरीफ। शरीफ घर पे ही रहते हैं और मजदूरी वगैरह का काम करते हैं। सर इससे पहले लड़का नहीं काम करता था कि पहले? अब ये बताया हमने भी, बहुत डिटेल हम लोग नहीं जा पाए हैं, ये सब विवेचना के पार्ट है, अब ये सब विवेचना में समाहित करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर।